तो सुबह सुबह हमने आग जला लिया है देखो, और माधव को यहाँ पे बिठा रखा है। मेरे को मत दिखाओ। माधव, राधे 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 राधे। देखो अब मूड जब अच्छा होता है ना तब करता है। राधे 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 दिखाओ। जोड़ी राधे राधे दिखाओ। दिखाओ ना। राधे 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 राधे। गुड बाय। कल नहीं है, कल हम लोग ना नाना के घर पे गए तो नाना को भी दिखा रहे हैं ये राधे राधे करके। उन्हें काफी अच्छा भी लग रहा था कि चलो हमने अपने बच्चे में कुछ अच्छा भी सिखाया। मनु राधे 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 और आज का मौसम भी देखो, धूप हाँ धूप नहीं आएगा। ये सब्जी देखो हम कल लेके आए थे मौसी के घर से, जिसमें फूल गोभी है, पत्ता गोभी ना पत्ता गोभी है और एक गोभी है, गांठ गोभी और पालक। देखो इधर हस्बैंड का टिफिन आ गया है, मम्मी ने इधर सब्जी बना के भेजा है, यहाँ पता नहीं पपीता दिया है, आलू दिया है, टमाटर दिया है। ठीक है, ये तो पका हुआ सब्जी है, इसमें अभी सुबह का नाश्ता इनका हो जाएगा। बट मैं इतने सुबह सुबह ना खाना नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं, मेरे पेट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं खाऊंगी। क्या पता नहीं हस्बैंड दुकान से क्या लेके आते हैं मेरे लिए, देखना पड़ेगा। अरे भगवान, ठंडा लग सी ना है। तो ये ना अभी ब्रेड खा रहा है। तो वैसे तो मैं इसको देती नहीं हूँ मैदे वाला चीज़, लेकिन ना ये देख के ना बहुत मतलब रो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दिया इसको। ज़्यादा खाएगा नहीं, मतलब ज़्यादातर खेलेगा इससे, तो कोई ना, कपड़ा ही तो गंदा करेगा मेरा बेटा। ऐ जे 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 आज के नोक कटा लग गए। पापा बेटे का प्यार, गरम पानी ना होई से ढके रहे दोबार। अपना ना दस्ताना खोल देता है, तो हम लोग है ना अभी एक प्लान। हाँ अब क्या खोलेगा बताओ। और अपना टोपी भी खोल देता है यार, ये भी खोल देगा देखना, ज्यादा गर्मी लग जाता है ना तो फिर ये भी खोल देता है, इतने ठंड में खोलना सही नहीं है। और हमारा धनिया पत्ता देखो हो गया है, मुझे भी काम करना है बहुत बहुत सारे। उस घर में भी दिया करो। हाँ अभी दूंगी ना, अभी लेके जाना। ये देखो सब्जी देने जाओगे ना तो लेके जाना। अरे इनका टेंट हाउस तो खुल गया। इनका टेंट हाउस तो खुल गया। बताओ। तो अभी काफी सारा काम करना है मुझे, अभी चलो काम करते हैं। की ठंडा लग रही इनकी घूम ही सर, ठंडा भी लग रहा होगा शायद इसको। देखो हमें यही शोल्डर देखो, इधर चलो बाहर बहुत ठंड है। मैं अभी चूल्हे में वो सब्जी बिठा देती हूँ फटाफट से। मटर छील दे, तुम कुछ मटर छील दो ठीक है। मैं आलू बॉईल दे देती हूँ, आज बनेगा आलू मटर की सब्जी। मज़ा आता है आलू मटर की सब्जी, देखो मज़ा कैसे। तो गाइस देखो अभी मैं काट रही हूँ सब्जी। ये जो सब्जी है ना ये कल हम लोग दिनेशपुर से लेके आए थे मेरी मौसी के घर से, तो मम्मी लेके आई थी और क्या कहते हैं सोचा कि मैं यहाँ से दो तीन पत्ते ले लेती हूँ। मम्मी ने बोला भी था कि थोड़ा सा ले लेना साग वाग जो अच्छा लगे, तो मैंने ना थोड़ा पालक ही लिया और कुछ नहीं लिया, और एक फूल गोभी गांठ गोभी रखा है, पालक भी रखा है और भी, तो लेकिन मैंने लिया नहीं, मैंने क्योंकि ना कौन खाएगा इतना सारा
तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं थोड़ा सा ही लिया, और क्या कहते हैं अभी मैं पालक बनाऊंगी और चिकन बनाऊंगी। तो चिकन का क्या सीन है मैं भी आपको आगे जाके बोलूंगी। अभी क्या कहते हैं मैंने सोचा था कि आलू दम बनाऊंगी, लेकिन आलू का दम जो है ना वो नहीं बना पाई मैं। चिकन मैंने बनाया क्योंकि फुल मूड था मेरा आलू दम बनाने का, लेकिन चिकन बनाना पड़ा लास्ट में क्योंकि मेरे भाई लोग आ रहे हैं दिनेशपुर से, तो वो लोग यहीं पे आके खाएंगे, लंच करेंगे। और मैं क्या कहते हैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, साग के अंदर एक आलू डालने वाली हूँ और लहसुन डालने वाली हूँ और थोड़ा सा मटर डालने वाली हूँ, और इसका मस्त सा एक ग्रेवीदार सब्जी बनाऊँगी मैं। तो इधर मैंने हरी मिर्च को भी काट लिया है और पानी में छोड़ रखा है क्योंकि जो गंदा है ना वो निकल जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तो फिर मैं खाना अभी थोड़ा चीरा लगा के रख दे रही हूँ खाना बनाने के टाइम ना, उसके अंदर सब्जी के अंदर एक एक करके डाल दूँगी मैं। और इधर देखो प्रॉपरली मेरा सब्जी काटना हो गया है, और क्या कहते हैं अभी थोड़ा साफ़ सफाई करूँगी यहाँ पर, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं। थोड़ा मैसी हो चुका है, आज दीदी ना आएगी नहीं, दीदी आज शितारगंज गई है उनका मोबाइल ठीक करवाने, उनका मोबाइल टूट गया है ना तो इसलिए वो शितारगंज गई है। मेरे को कल बोला था दीदी ने कि मैं आऊँगी नहीं, कोई ना सबका अलग अलग काम रहता है तो क्या करें, हर किसी का तकलीफ समझना चाहिए। तो वही अभी मैं बनाऊँगी चूल्हे में खाना, और चलो अभी फटाफट से ना हम आग जला लेते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आसपास से भटक रहे हैं क्योंकि माधव ना अभी थोड़ा रो रहा है, तो उसको मैंने बोला थोड़ा शांत करके रखो, मैं खाना बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है ना, 2:30 बज जाता है, फिर खाना खाने का मन नहीं करता है रात को। देखो खाना खाते खाते 2:30 बज जाता है, फिर रात को क्या खाना खाए। तो इसलिए मैंने बोला कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, तो 10 बजे मैं अपना खाना बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। अभी ठंड का टाइम है तो सब्जी बना के रखूँगी और गरम भात हो जाएगा, उसी से हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोबारा फिर मैं गरम करके खा सकती हूँ, लेकिन भात दोबारा गरम नहीं दे सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, जल जाएगा ना। तो इधर मैंने पालक साग मैंने डाल दिया है, और इसमें आलू भी डाल दिया है, मटर भी डाल दिया है जो कि आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और मैं ना चप्पल पहन के सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि ना बहुत ठंडा है गाइस। मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला है जब तक मैं झाड़ू पोछा नहीं कर लेती ना तब तक तुम क्या करो, जूता पहन के घूमो, मैं भी चप्पल पहन के ही घूमती हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडा है। और टाइल के ऊपर ना मतलब खाली पैर चलना इम्पॉसिबल, ऊपर से सॉक्स डबल सॉक्स भी मतलब होता नहीं है कुछ, ठंडा तो ठंडा ही लगता है। और ये जो टाइम है ना ये ठंड का टाइम है, बहुत तगड़ा वाला ठंड। तो चलो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।